अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग फ्राइडे नाइट से स्टार्ट हो रहा है और केक बनाया था मैंने हाशिर की बर्थडे के लिए और साथ फिर हाशिर के लिए एक छोटी सी ट्रीट थी। तो हम कमर्शियल आए हुए थे और बस फिर घर आके केक वगैरह कट किया बच्चों ने। और बर्थडे के लिए हमको इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन वगैरह करते नहीं हैं, बस केक वगैरह घर पे ही बना लेती हूँ, बच्चे खुश हो जाते हैं और उसके अलावा कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ घर पे, या बाहर से बच्चों ने खाना हो तो फिर बाहर से खा लेते हैं और इतना सही होता है हमारा बर्थडे का सेलिब्रेशन वगैरह। केक का स्पंज भी काफ़ी अच्छा बना था और क्रीम भी मैंने अच्छी तरह से बीट की थी, लेकिन दिन को फ्रिज मैंने क्योंकि साफ़ किया था तो उसमें ठंडक नहीं थी और मैंने जब केक फ्रिज में रखा तो वो फिर ठंडा ना होने की वजह से क्रीम उसकी मेल्ट होने लग गई थी, तो इसलिए कलर वगैरह भी इसमें से बंटेज का निकल रहा था। और आज जी बस सुबह उठी थी, आँख खुली थी तो मैंने कहा चलो मशीन लगा दूँगी और फिर दोबारा जब सो के उठूँगी तो कपड़े धुले हुए होंगे और एक दफ़ा जो बाकी के रह गए हैं वो फिर लगा लूँगी। तो फिर मैंने सुबह 7 बजे ही मशीन लगा दी थी और उठ के फिर मैंने कपड़े वगैरह सूखने के लिए डाल दिए थे, लेकिन दोबारा मशीन नहीं लगाई, वो अब इंशाल्लाह कल लगाऊँगी। और फिर नाश्ता वगैरह रेडी किया, आज नाश्ता हम लेट कर रहे थे, तकरीबन 12 बज चुके थे तो फिर इसलिए पराठे वगैरह बनाए, चाय बनाई और साथ चने ले आए थे ज़ुबैर बाज़ार से। बस चने निकालने के चक्कर में मेरा पराठा जल गया आज, खैर इतना ज़्यादा नहीं जला था, गुजारा हो गया था, मैंने खा लिया था। और बस आज फिर इतना कोई ख़ास काम घर पे था नहीं करने वाला तो नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद हल्की फुल्की सी सफाइयाँ की घर की और बस फिर ये शाम का टाइम है, बच्चों को भूख लग गई थी और बच्चों ने कहा हमें नूडल्स बना दें और वैसे भी अभी तक खाना वगैरह मैंने बनाना शुरू नहीं किया था तो फिर मैंने उनको नूडल्स वगैरह बना कर दी, साथ ही मैंने चावल भी गो दिए और आज मैं मटर वाले चावल बनाऊंगी और साथ फिर मैंने शामी कबाब का मसाला रखा हुआ था। बस जब तक शामी कबाब का मसाला वगैरह गल रहा था, दाल और गोश्त वगैरह, तो उसका ग्रीन वाला मसाला मैंने तैयार कर लिया, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना को मैंने चॉपर में डालकर अच्छे से चॉप कर लिया और इसको फिर एक बोल में निकाल के रख दिया था और इतनी देर में फिर बस मसाला वगैरह गल चुका था तो फिर उनको भी आज मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया क्योंकि हाथों से कूटने की मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी तो मैंने कहा चलो इसी तरह जाने दो। बस इसको मैंने फटाफट से मिक्स किया, गरम गरम जल्दी से चॉप कर लो ना तो फिर आसानी से चॉप भी हो जाता है और यह हमने हाथों से भी कूटना हो तो तब भी अच्छा सा कूटा जाता है। और साथ ही मैंने गरम गरम के कबाब बना लिए और बड़ी जल्दी और आसानी से बन गए थे, ठंडा हो जाए तो फिर काफ़ी टाइम लगता है कबाब बनाने में भी। बस कबाब वगैरह बनाकर फ्रीज़ कर देने से ये फ़ायदा होता है कि कभी हांडी वगैरह तैयार ना हुई हुई हो, या अक्सर बच्चे घर में जो पका होता है वो नहीं खाते तो फिर उनके लिए थोड़ी सी, उनको देने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है और दूसरा लंच वगैरह का भी मसला थोड़ा सा हल हो जाता है, तो इसलिए फिर अक्सर मैं बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ।
कबाब बना कर मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं। कबाबों के बीच में मैं अंडा शामिल नहीं करती क्योंकि घर में किसी को भी इस तरह से पसंद नहीं है। तो अब ये फ्रीज़ हो जाएंगे और कल मैं ना अंडा निकाल के इन पे अंडे की कोटिंग करके दोबारा से फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि जब भी फ्राई करने हो तो ऊपर अंडा लगा हुआ होता है और फिर वो आराम से फ्राई हो जाते हैं, वरना फिर हर दफ़ा अंडा तोड़ के और दोबारा से उसको लगाना पड़ता है, फिर जो बच जाता है अंडा वो भी वेस्ट होता है। तो इसलिए फिर मैं एक दफ़ा ना फ्रीज़ करने के बाद उनको अंडा लगा देती हूँ और फिर उसके बाद दोबारा से फ्रीज़ कर देती हूँ। और बस अब मैं चावल बना रही थी। चावलों के लिए मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था और उसके बाद बस सारे सूखे मसाले डाले थे, टमाटर डाला था और अच्छी तरह से भून के फिर मटर डाल दिए थे उसमें। और ये थोड़ी सी मेरे पास यखनी पड़ी हुई थी जो मैंने एक दो दिन पहले सूप के लिए बनाई थी, तो वो भी मैंने शामिल कर दी थी, इससे टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा चावलों का। तो आप देखें मटर का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल ग्रीन ही है, वरना मटरों का कलर अजीब सा फीका फीका सा होने लग जाता है, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश सा ग्रीन कलर है अभी तक इनका। और चावल वगैरह दम पे लगा के अब मैं कबाब फ्राई करने लगी थी, तो जो अभी खाने हैं बस वही कर रही हूँ, बाकी कल फ्रीज हो जाएंगे तो फिर उनको अंडा लगा लूँगी। तो बस अभी बच्चों को खाना वगैरह दे के उसके बाद इनको सुलाने की तैयारी वगैरह करूँगी। अब व्लॉग यहीं पे एंड होता है, इंशाल्लाह अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।